नागपुर के एमआईडीसी पुलिस थाना अंतर्गत नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर दुष्कर्म समेत पीटा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एमआईडीसी पुलिस थाना अंतर्गत ईसासनी परिसर के माधव नगर में गुरुवार रात में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एमआईडीसी पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के साथ गार्डन घूमने गई थी, इसी बीच अज्ञात आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने खुद पुलिस थाने में घटना की शिकायत की। इस पर सख्त कदम उठाते हुए पुलिस ने भी मामले की जांच की और पूछताछ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि नाबालिग पीड़िता के ही दोस्त ने आरोपियों से पीड़िता के साथ संबंध बनाने के लिए पैसे लिए थे। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आरोपियों पर पुलिस ने पीटा एक्ट, पोक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में कल रात में एक खबर आई जिसमें एक अल्पवयीन लड़की ने और उसके साथीदार ने पहले ऐसी जानकारी दी कि उसके साथ वो मित्र के साथ ईसासनी भाग में रात में काम को जाने के पहले वो उसके दोस्त के साथ गई थी, तो वहाँ पर कुछ 3 लोग आए थे और उन्होंने उसके दोस्त को मारकर भगा दिया और उसके साथ फिर ज़बरदस्ती उसका बलात्कार किया। इस तरह की फिरियाद प्राप्त होने के बाद पुलिस स्टेशन ने उस अल्पवयीन लड़की को तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा और बाकी पूछताछ करके उस लड़के से और बाकी लड़की के जो आसपास के उसके घर पर और एरिया में जानकारी ली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला कि ये जो 3 लड़के थे और लड़की का जो ये सो कॉल्ड जो मित्र था, इसने कुछ लड़कों के पास से पैसा लेकर जो मित्र लड़की है उसके साथ शारीरिक संभोग करने के लिए उद्योग किया और पैसे लिया है। और ऐसी घटना पिछले 2 दिन से वो कर रहा है, अलग अलग लड़कों के साथ पैसा लेकर उसके साथ ये कार्रवाई किया है। और कल भी रात में एक जगह पर कुछ मित्रों को उसने बुलाया था लड़की के साथ संभोग करने के लिए, और जब वो वहाँ पर आए थे तो उसके पहले कोई और अज्ञात 3 लोगों ने इनको मारकर इनसे पैसा छीन लिया और लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया, ऐसी घटना आई है। अभी इसमें जो नाम निष्पन्न हुए हैं उनमें से आरोपी जो है 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है।